नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज विधानसभा का गणित। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा सीट को लेकर। ये सीट गुरुग्राम लोकसभा के अंडर आती है और पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। आगे बढ़ने से पहले अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में इस सीट से कौन सी पार्टी जीत कर निकली है। राव इंद्रजीत सिंह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में यहां से हमेशा भाजपा ने ही जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार रेवाड़ी से राव इंद्रजीत की लीड में भारी गिरावट दर्ज हुई और कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है। लोकसभा के बाद बात पिछले 3 विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर रेवाड़ी में पिछले 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव में से भाजपा 4 तो कांग्रेस 2 बार विजयी रही है। रेवाड़ी विधानसभा अहिरवाल की सबसे प्रमुख सीट है। पिछली बार भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह ने इस सीट पर अपने समर्थक को टिकट दिलाई तो स्थानीय भाजपा कैडर बगावत पर आ गया। भाजपा नेता और इस समय के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास निर्दलीय मैदान में उतर गए और आखिरकार राव समर्थक सुनील मुसेपुर महज 1317 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए और भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी। इस बार भाजपा यहां से किसको टिकट देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर अपने किसी समर्थक को टिकट दिला पाएंगे या फिर दूसरी तरफ कांग्रेस चिरंजीव राव को रिपीट करती है या नहीं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रेवाड़ी का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा और यहाँ का सारा दारोमदार दोनों पार्टियों के टिकट बंटवारे पर टिका है। आपका दिमाग रेवाड़ी विधानसभा के गणित को लेकर क्या कहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द आपसे एक नई विधानसभा के गणित के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।